हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक से, मध्य प्रदेश में वन एवं संसाधन से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 20% भाग पर मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। प्रश्न क्रमांक दो, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वनों का जंगल कहाँ पाया जाता है। दोस्तों रातापानी बाघ अभयारण्य में मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष के विस्तार की। इन वृक्षों का विस्तार मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक है। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा और रातापानी अभयारण्य रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक चार, संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों छतरपुर वन वृत्त। संरक्षित वनों की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 33% भाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में एवं न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर वनों के कितने प्रकार हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। पहला नर्मदा दक्षिण क्षेत्र, दूसरा विंध्य कैमूर क्षेत्र, तीसरा शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है। इनकी शंकु के आकार की पत्ते होते हैं। दोस्तों गलत ऑप्शन है। इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं। दोस्तों यह भी गलत है। इनकी व्यापक पत्ते होते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं साल एवं सागौन के वृक्ष की विशेषताओं की। साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन हैं। इनके पत्ते व्यापक होते हैं। सागौन वृक्ष भारत में म्यांमार देश से लाया गया था। सागौन वृक्ष में अंतःकाष्ठ को दीमक नहीं लगता। सागौन पर पॉलिश जल्दी चढ़ जाती है जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है। सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। ये 3 प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों की। इनमें 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इन वृक्षों की प्रजातियों में साल, बांस, महुआ, सागौन, सीसम, वाहर्रा आदि वृक्ष आते हैं। क्षेत्र की बात यदि हम करें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल आदि को शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, खैर, बबूल, पलाश किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खैर, बबूल और पलाश उष्णकटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती प्रकार के वृक्ष हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। इनमें वर्षा की आवश्यकता 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। वृक्ष की प्रजातियों में खैर, बबूल, पलाश व वेर आदि को शामिल किया जाता है। क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर है। विशेष यह वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्ती वाले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के वन। पहला आरक्षित, दूसरा संरक्षित, तीसरा आवर्गीकृत। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत 65% है। संरक्षित वन मध्य प्रदेश में 33% भाग पर पाए जाते हैं एवं अन्य 2% भाग पर मध्य प्रदेश में आवर्गीकृत वनों का विस्तार है। प्रश्न क्रमांक 11, किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? तो दोस्तों, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट में प्रशासन का नियंत्रण अत्यधिक होता है। यह मध्य प्रदेश में 65% भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रशासन का अधिक नियंत्रण रहता है। सर्वाधिक आरक्षित वन मध्य प्रदेश में खंडवा वन वृत्त में और न्यूनतम आरक्षित वन मध्य प्रदेश में छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वनों से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आवर्गीकृत वनों से हम जलाऊ लकड़ी प्राप्त करते हैं। यह मध्य प्रदेश के 2% भाग पर पाए जाते हैं और सरकार का कोई नियंत्रण इन वनों पर नहीं होता। यहाँ से जलाऊ लकड़ी, चारा, घास आदि को हम काट सकते हैं एवं उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में साल वन लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष मध्य प्रदेश में लगभग 5% भाग पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं साल के वनों की। दोस्तों, इनका वानस्पतिक नाम शोरिया रोबस्टा है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किसे विंध्य वैली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, विंध्य वैली के नाम से एमपी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विंध्य वैली। प्रोजेक्ट विंध्य वैली वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया। यह स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए शुरू किया गया। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सहकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में बांस की। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में मिलते हैं। इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की, बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 17, बालकोवा किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बालकोवा बांस की प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के सतना और उमरिया जिले में पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उमरिया। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लाख कीट
सर्वाधिक बेर पलाश कुसुम के वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम लैसीफर लक्का है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन अर्थात मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो दोस्तों विंध्यन हर्बल, विंध्यन हर्बल की यदि हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा लघु वन उपज औषधीय उत्पादों के विक्रय के लिए विंध्यन हर्बल ब्रांड का नाम रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? दोस्तों मध्य प्रदेश में अश्वगंधा, वेल एवं लेमन ग्रास तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उपलब्ध औषधियों की, तो अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, धृत कुमारी, अफीम, गौरामुंडी आदि। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में धृत कुमारी, लेमन ग्रास दोनों पौधे पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। त्रिफला औषधि खाली स्थान से मिलकर तैयार होती है, तो दोस्तों हर्रा, बहेड़ा एवं आंवला से मिलकर त्रिफला औषधि तैयार होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब हम बात करते हैं त्रिफला औषधि की, यह हर्रा, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। यह छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और बालाघाट जिलों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर ए 77,482 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत वन रिपोर्ट 2019 मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई, यह प्रति दो वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 2019 में यह 16वीं रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश का 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जबकि 2017 में कुल वन क्षेत्रफल का 77,414 वर्ग किलोमीटर शामिल था। प्रश्न क्रमांक 24, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट। बालाघाट का वन क्षेत्रफल 49,032 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद छिंदवाड़ा एवं फिर बैतूल का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 25, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उज्जैन न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। उज्जैन में सिर्फ 36 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है, इसके बाद रतलाम फिर साजापुर का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 26, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि पन्ना में एवं सर्वाधिक कमी सीहोर में हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला पन्ना है और सर्वाधिक कमी करने वाला जिला सीहोर है। प्रश्न क्रमांक 27, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 77,482 वर्ग किलोमीटर है, इस दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार मिजोरम 85.41% सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला राज्य है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडल या वन वृत्त में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश को 16 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा एवं सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? दोस्तों 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई,
और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वानमोर व शिवपुरी में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कत्था कारखानों की। मध्य प्रदेश में शिवपुरी और बानमोर मुरैना में खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। खैर से कत्था बनाने का कार्य खैरवार जनजाति करती है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? तो दोस्तों सबसे कम तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इंदौर में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता की। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादक अग्रणी जिले सागर एवं जबलपुर हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तेंदुपत्ता उत्पादक जिले इंदौर एवं उज्जैन हैं। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश में राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। और दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश में ICARDA अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना 24 फरवरी सन 2016 को कृषि वैज्ञानिक द्वारा डॉक्टर संजय राजाराम द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न क्रमांक 36, कुल्लू गोंद का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों बेकरी उद्योग में कुल्लू गोंद का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में गोंद की यदि हम बात करें तो गोंद बबूल आचार कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। यह छिंदवाड़ा बालाघाट झाबुआ शिवपुरी जिलों में अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती हैं, पहला कुल्लू गोंद दूसरी अरेबिक गोंद। कुल्लू गोंद बेकरी उद्योग में केक बनाने के लिए एवं अरेबिक गोंद मिठाई बनाने में उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो दोस्तों औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग एवं बिक्री औषधीय पौधा मिशन का काम नहीं है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्य औषधीय पौधा मिशन की। इसका प्रारंभ सन 2008-09 में किया गया। इसका उद्देश्य था औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, औषधीय पौधों की खेती के लिए किसान के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करना, औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार कर उसका प्रबंधन करना। प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह भोपाल में स्थापित है। इसकी स्थापना भोपाल में सन 2004-05 में की गई। इसे MFP पार्क माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो दोस्तों सतपुड़ा महकास श्रेणी में हर्रा औषधीय पौधे का सोर्स या स्रोत विद्यमान है। अब हम बात करते हैं हर्रा की। यह सर्वाधिक मात्रा में सतपुड़ा महकाल क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों हर्रा बहेड़ा एवं आंवला को मिलाकर त्रिफला औषधि तैयार की जाती है। हर्रा और बहेड़ा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 40, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। भारत भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कोरिया ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भवन को भी डिज़ाइन किया था। इसके वर्तमान निदेशक
डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं। यह दिसंबर 2021 का डाटा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की। 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को। दोस्तों यह पुराना आंकड़ा है और ग्रुप 4 2018 एवं जेल पर ही 2018 एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आज के पर्सपेक्टिव से यह उतना काम का नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 42 की। मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह ताला उमरिया में स्थित है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। प्रश्न क्रमांक 43, किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो दोस्तों धार में कोई भी वन विद्यालय नहीं है। अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित वन विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थानों की बात करते हैं। वन क्षेत्रफल महाविद्यालय बालाघाट, वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय लखनादौन, वन विद्यालय गोविंदगढ़ जिला रीवा में, वन विद्यालय बैतूल में है, वन विद्यालय अमरकंटक जिला अनूपपुर में भी है। दोस्तों वन विद्यालय शिवपुरी एवं झाबुआ में भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 44, भारत में सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों बोरी अभयारण्य में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। बोरी अभयारण्य क्षेत्र यह होशंगाबाद हरजा जिले के अंतर्गत सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और घने जंगल वाला क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 45, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई? दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वर्ष 1979 में बालाघाट में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1979 को बालाघाट में की गई थी। यह रेंजर्स वन क्षेत्रफल प्रशिक्षण केंद्र है। प्रश्न क्रमांक 46, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों वर्ष 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना था। प्रश्न क्रमांक 47, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 48, पंच वन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था? दोस्तों 33% का लक्ष्य था और पंच वन योजना की शुरुआत 1976-77 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? दोस्तों वर्ष 2002 में। आर्द्र भूमि या वेटलैंड ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहां वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो आर्द्र भूमि कहलाता है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। मध्य प्रदेश की भोज झील को 19 अगस्त 2002 को आर्द्र भूमि रामसर भूमि की सूची में शामिल किया गया। इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की। मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों घोर संकट ग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड में हमने इनको रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं घोर संकटग्रस्त प्रजातियों की। वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं उन्हें घोर संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों चंबल और सोन नदी के घड़ियाल और कछुओं की प्रजाति को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की। मध्य प्रदेश तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रायसेन जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया है। 15 फरवरी 2018 को रायसेन जिले के गोपालपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया। तितली पार्क में 54 प्रकार की तितलियां हैं। तितलियों के जन्म लेने तथा पलने बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने वाले यहां 137 तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 52 की।
मड़ई वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्षेत्र है मड़ई वन क्षेत्र। अब हम इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मड़ई वन क्षेत्र होशंगाबाद जिले के सुहागपुर तहसील में स्थित है और यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 53, महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों मधु का लोगी फालिया महुआ का वास्तविक नाम है। मध्य प्रदेश में यदि महुआ की बात करें तो मित्रों इसका वास्तविक नाम मधु का लोंगी फालिया है। यह बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इसका प्रयोग कच्ची शराब जिसको हम गपई भी कहते हैं व औषधियाँ बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 54, बसामन मामा वन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बसामन मामा वन पुरस्कार दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है एवं अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 55, वन प्रहरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं कि वन में अग्निरोधक कार्य करने के लिए वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 56, किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन किया गया? तो दोस्तों सन 2001 में मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया और इस विभाग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2005 में 11 अप्रैल को किया गया। प्रश्न क्रमांक 57, मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2013 में मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसका गठन 15 जुलाई सन 2013 को किया गया था। प्रश्न क्रमांक 58, वन जीव प्रबंधन में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो दोस्तों अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का बनाना बिल्कुल सही, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना गिनती बिल्कुल सही, स्थानीय जल संसाधनों को बढ़ावा देना। दोस्तों उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं जो वन्य जीव प्रबंधन से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं सामान्य तौर पर हम वन्य जीव प्रबंधन में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो दोस्तों अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों को बनाते हैं, जानवरों की जनगणना करते हैं, शिकार और तस्करी पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, स्थानीय जल संसाधनों का बचाव करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न क्रमांक 59 की। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आवश्यक वर्षा यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, बिल्कुल सही। कांटेदार एवं छोटी पत्तियां होती हैं, दोस्तों यह भी सही है। यहाँ पर वृक्ष प्रजातियों में खैर बबूल पलाश शामिल होते हैं, दोस्तों यह विकल्प भी सही है। यहाँ दोस्तों तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। ये सारी विशेषताएं ही उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों इस वन के बारे में। आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, वृक्षों की प्रजातियाँ खैर बबूल पलाश बेर आदि शामिल होती हैं, क्षेत्र मुरैना ग्वालियर रतलाम मंदसौर आदि जिले। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो यह वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्तियों वाले होते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी सारे फैक्ट्स को दो बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएं और पेपर में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमें इन कथनों को देखना है और सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल 77,482 वर्ग किलोमीटर था, हम पहले देख चुके हैं यह बिल्कुल सही विकल्प है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला सीहोर था, दोस्तों यह सबसे कम वन वृद्धि वाला था, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला पन्ना था। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन था, दोस्तों यह विकल्प भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार 1 और 3 सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला पन्ना था, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन था और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल 77,482 वर्ग किलोमीटर था। प्रश्न क्रमांक 61, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली वन नीति सन 1952 में बनी थी और नवीन वन नीति 2005 में बनी थी। प्रश्न क्रमांक 62, मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना किस जिले से
प्रारंभ की गई। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली जिले से चरण पादुका योजना सन 2018 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं से संबंधित थी। प्रश्न क्रमांक 63, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 30.72% वन क्षेत्र है। हम एक बार फिर से वन स्थिति रिपोर्ट 2017 पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 30.72% भाग पर वन क्षेत्र स्थित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23.34% वन क्षेत्र स्थित है। निम्न में से क्या असंगत है? हमें गलत कथन का चयन करना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में वन वृत्त की संख्या 16 है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या 63 है, यह भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में वन उपमंडल 135 है, यह भी सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में वन परिक्षेत्र 573, दोस्तों यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 473 वन परिक्षेत्र हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एक गलत विकल्प दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयों की। दोस्तों मध्य प्रदेश में वन वृत्त 16 हैं, वन मंडल 63 हैं, वन उपमंडल 135 हैं, वन परिक्षेत्र 473 हैं, वन उपवन परिक्षेत्र 1871 हैं एवं वन परिसरों की संख्या मध्य प्रदेश में 8286 है। इसी क्रम में हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 65 की। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा वन वृत्त नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कटनी को वन वृत्त में शामिल नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में वन वृत्तों की संख्या 16 है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहला वन वृत्त बालाघाट, बैतूल, फिर भोपाल, फिर छतरपुर, फिर छिंदवाड़ा, इसी क्रम में ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, उज्जैन एवं शिवपुरी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में वन वृत्तों को विभाजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग गलत तरीके से कर दी गई है। यहाँ पर 16 वन वृत्त हैं और यहाँ 18 लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 66 की। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में, देन शिवपुर में, देन उमरिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बालाघाट में 53.4% भाग पर वन पाए जाते हैं, फिर शिवपुर में लगभग 52% भाग पर एवं उमरिया में 49.6% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 67, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो दोस्तों बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, फिर छिंदवाड़ा में, फिर बैतूल में। हम देख लेते हैं दोस्तों बालाघाट में 4932 वर्ग किलोमीटर पर, छिंदवाड़ा में 4588 वर्ग किलोमीटर पर एवं बैतूल में 3663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 68 की। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 1963 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान अस्तित्व में आया। जबलपुर में 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संस्थान वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, वनों का विपणन, पर्यावरण प्रभाव आदि विषय पर शोध एवं तकनीक विकसित कर उसका प्रचार प्रसार करता है। प्रश्न क्रमांक 69, मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में निहित अधिनियम खालिस्तान में लाया गया। दोस्तों 1999 में यह अधिनियम लाया गया था। मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वनों में हित अधिनियम 1999 में लाया गया। यह 24 अप्रैल 1999 से प्रभाव में आया। दोस्तों यदि आपको हमारे इस प्रकार के वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सही समय पर पहुंच पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।